नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान, हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। देहरादून में नगर निगम का इलाका बढ़ने के चलते निगम में करीब 650 से लेकर 700 कर्मचारियों की भर्ती का प्रस्ताव पिछले 6 महीने से शासन में अटका हुआ है। स्थानीय युवा निगम में भर्तियां खुलने के इंतजार में हैं। नगर निगम में 60 वार्ड के हिसाब से पहले से ही स्टाफ की कमी रही है। सीमा विस्तार के बाद नगर निगम के 100 वार्डों के हिसाब से मौजूदा स्टाफ काफी कम है। नगर निगम में 72 गांव शामिल होने के बाद निगम ने शासन को 650 कर्मचारियों की भर्ती का प्रस्ताव भेज दिया था, जिसे 6 महीने का समय हो चुका है। शासन स्तर पर अभी तक कोई भी दिशा निर्देश नगर निगम को नहीं दिए गए। इन भर्तियों के चलते नगर निगम ने इस बात का जिक्र भी किया है कि नगर निगम को हर साल वेतन में 12.83 करोड़ का अतिरिक्त खर्चा करना पड़ता है। आपको बता दें कि नगर निगम का एरिया 64 वर्ग किलोमीटर से बढ़कर 196 वर्ग किलोमीटर हो गया है। अभी नगर निगम में जो नए वार्ड जुड़े थे, तकरीबन 40 वार्ड नए ऐड हुए थे, तो उसमें भी कर्मचारियों की कमी है और ये करीब 650 से 700 कर्मचारियों की आवश्यकता है, जिसका प्रपोजल ऑलरेडी शासन को भेजा जा चुका है। और साथ ही साथ डोर टू डोर कलेक्शन का भी उसमें एजेंसी का एक निर्णय होना है और अगर शासन सहमत मिलेगी तब हम उसका टेंडर करेंगे, लेकिन अभी दोनों शासन स्तर पर लंबित हैं। चाइनीज मांझे बेचने वालों की अब खैर नहीं होगी। हरिद्वार में सिटी मजिस्ट्रेट ने सख्त कदम उठाए हैं। चाइनीज मांझे को लेकर सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन दिया गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध मुक्त भारत संस्था ने चाइनीज मांझे की बिक्री पर रोक लगाने की मांग को लेकर जटवाड़ा पुल पर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही सिटी मजिस्ट्रेट को जनहित में इस मुद्दे पर ज्ञापन भी सौंपा। इस दौरान सिटी मजिस्ट्रेट ने भी कहा कि इस मुद्दे को गंभीरता से लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि चाइनीज मांझे की बिक्री पर पिछले वर्ष भी रोक लगाई गई थी और इस बार भी आखिरी बार दुकानदारों को चेतावनी दी जा रही है। इसके बाद जो भी चाइनीज मांझे को बेचता हुआ नजर आएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुद्दा है और इसमें हमने पिछले माह में भी काफ़ी जांच की थी। मेरे साथ में पूरे SHO को चौरी ज्वालापुर, SHO नगर, थाना कनखल, रानीपुर, सबके द्वारा हमने काफ़ी इसमें जांच की, काफ़ी कमी इसमें आई थी। और उसके बावजूद भी अभी भी देखा जा रहा है कि चाइनीज मांझे पर लोग प्रयोग कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं जो थोक विक्रेता है उनसे भी कहना चाहूँगा कि चाइनीज मांझे को बिल्कुल भी शहर में न लाएं, और जो फुटकर विक्रेता है उनसे भी आग्रह करूँगा कि वो भी इस चाइनीज मांझे को न बेचें। और जो जिन अभिभावकों के बच्चे चाइनीज मांझा से पतंग को उड़ाते हैं उनसे भी अनुरोध करूँगा कि वो भी अपने बच्चों को चाइनीज मांझा से पतंग उड़ाने के लिए मना करें। प्रदेश में बर्फबारी का दौर जारी है। चमोली जिले के ऊंचाई वाले इलाकों में एक बार फिर से जबरदस्त बर्फबारी हुई है, जिसके बाद औली और जोशीमठ में बर्फ की सफेद चादर छा गई। एक बार फिर से बर्फबारी होने से जहां जोशीमठ से औली जाने वाला मार्ग बर्फ के आगोश में आ गया, तो वहीं औली रोड पर चलना इस समय फिर से खतरनाक हो गया है। बर्फ और पाला इस समय सड़क मार्ग से औली जाने वाले पर्यटकों के लिए मुसीबत साबित हो रहा है। इसमें सभी विभागों को और हमारे SDM सभी को अलर्ट मोड पे रखा गया है और हमारे अभी कहीं भी रोड बंद होने की या इस प्रकार की कोई सूचना नहीं प्राप्त हुई है। साथ में अलावों की व्यवस्था हर जगह की जा रही है और हर जगह हमारी जहाँ पे रोड बंद होने की संभावना है वहाँ पे JCB वगैरह सभी तैनात कर दी गई है और स्कूल अभी ऑलरेडी बंद है। तो आज स्कूल भी अभी क्योंकि विंटर वेकेशन चल रहा है इसलिए स्कूल भी ऑलरेडी बंद। बागेश्वर जिला अस्पताल में डेंटल हाइजीनिस्ट के पद पर तैनात नारायण सिंह रौतेला का शव संदिग्ध अवस्था में सुबह उनके किराए के कमरे से मिला, जिसकी सूचना मकान मालिक ने कोतवाली पुलिस को दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कोतवाल DR वर्मा ने बताया कि पूछताछ में मृतक के पड़ोसियों ने बताया कि देर रात तक दरवाजा नहीं खुलने पर सुबह मकान मालिक को यह जानकारी दी गई, जिसके बाद शव बरामद किया गया। फिलहाल पुलिस का कहना है कि रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का पता चल पाएगा। एक कांडा रोड पर है, एक जिला अस्पताल पर है, डेंटिस्ट असिस्टेंट है। ये बता रहे हैं पीने के बहुत आदित हैं। आज अगल बगल जो किराएदार है, जब इन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला इनका, तो मकान मालिक को बुलवा के इनके दरवाज़ा खोला, पहले से कुंडी नहीं लगी थी, तो ये अपने बेड के नीचे हुए गिरा हुआ मिला। 108 को उन्होंने सूचना दी तो ये अस्पताल पर इसकी डेथ हो गई है। टिहरी जिले के घनसाली के अगुन गांव में कुत्ते का पीछा करते हुए एक गुलदार कमरे में कैद हो गया, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने वन विभाग को दी। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और गुलदार को कमरे से बाहर निकालने में जुट गई। रेस्क्यू में लगभग 2 घंटे का समय लगा। इस दौरान गुलदार को देखने के लिए ग्रामीणों का जमावड़ा लग गया। अवैध शराब निरोधक अभियान में नरेंद्र नगर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। अभियान के दौरान पुलिस ने 106 बोतल शराब और 70 कैन बियर पकड़ी है। टिहरी पुलिस अधीक्षक एवं नरेंद्र नगर पुलिस क्षेत्राधिकारी के निर्देश पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस की इस कार्रवाई से शराब माफियाओं के हौसले पस्त हो रहे हैं।
विभागीय अपराध निरोधक अभियान और शराब विरुद्ध अभियान के तहत हमारे द्वारा थाना नरेंद्रनगर पुलिस द्वारा श्रीमान SSP टेरी गढ़वाल और CO महोदय नरेंद्रनगर के निर्देशन में दिनांक 4/1/20 को अभियुक्त जयप्रकाश को 3 पेटी अवैध शराब और 5/1/20 को अभियुक्त प्रवीण को 46 बोतल अंग्रेजी नाजायज शराब और 6/1/20 यानी कि आज अभियुक्त पंकज नेगी को 24 बोतल अंग्रेजी शराब और 70 केन बियर के नाजायज सहित गिरफ्तार किया गया है। और इन तीनों घटनाओं में परिवहन में प्रयुक्त 2 वाहन टाटा सुमो भी जब्त किए गए हैं। श्रीनगर में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का कार्य बड़ी तेजी के साथ किया जा रहा है। स्वीत गांव में जहां टनल तेजी से बनाई जा रही है, तो वहीं श्रीनगर चौरास को जोड़ने वाले अप्रोच पुल खड़े कर दिए गए हैं। लेकिन इन सब के बावजूद प्रभावित ग्रामीणों की समस्या कम होने का नाम नहीं ले रही, जिसको देखते हुए राज्यमंत्री धन सिंह रावत ने रेलवे के अधिकारियों के साथ बैठक ली और उन्हें ग्रामीणों की समस्या को दूर करने की हिदायत भी दी। साथ ही उन्होंने बताया कि प्रभावित हुए गाँव में 10 करोड़ की लागत से विकास कार्य करवाए जाएंगे। 4 ग्राम सभाओं के प्रधान क्षेत्र पंचायत सदस्यों की बैठक हुई, जिसमें कि हमारी रेलवे लाइन जा रही है और रेलवे विभाग के सभी लोगों को बुलाया था। उसमें ADM भी आए थे, हमारे SDM लोग भी थे और 10 करोड़ रुपए की लागत से इन 4 ग्राम सभाओं में हम सार्वजनिक काम करने जा रहे हैं, जिसमें कि पेयजल की समस्या है, रोड कनेक्टिविटी है, स्कूल का है, मनोरंजन का है, बारात घर है, गाँव के विकास के लिए जो है खेल के मैदान है। ये बड़ा काम जो है श्रीनगर में हम रेल के द्वारा कर रहे हैं और मैं प्रधानमंत्री जी का अपने मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि श्रीनगर में ऑडिटोरियम के अलावा पौड़ी में निर्माणाधीन 220 KV रुद्रपुर श्रीनगर लाइन के निर्माण हेतु 132 KV विद्युत सब स्टेशन श्रीनगर से विद्युत आपूर्ति अलग अलग तारीखों में बाधित रहेगी। कार्यदायी संस्था पिटकुल और विद्युत आपूर्ति करने वाले विद्युत वितरण खंड ने उपभोक्ताओं से वैकल्पिक विद्युत व्यवस्था करने की अपील की है। विद्युत उपखंड के SDO सचिन सचदेवा ने बताया कि निर्माण कार्य की वजह से 132 केवी विद्युत सबस्टेशन को विद्युत आपूर्ति करने वाली लाइनों पर 8, 10 और 12 जनवरी के लिए शटडाउन लिया जाएगा। इसी वजह से श्रीनगर, श्रीकोट, कीर्तिनगर, बागवान, देवप्रयाग और जामणीखाल विद्युत सबस्टेशन प्रभावित होंगे। 8 तारीख, 10 तारीख और 12 जनवरी तक ये जो हमारी सप्लाई डिस्टर्ब रहेगी। इसमें कीर्तिनगर बिजली घर से संबंधित जितने भी क्षेत्र है, श्रीकोट से रिलेटेड जितना भी क्षेत्र है, जामणीखाल से संबंधित जो क्षेत्र है, देवप्रयाग से संबंधित जो क्षेत्र है, वो सारा इन 4 दिनों में डिस्टर्ब रहेगा। और ये आपकी जो 220 लाइन हमारा बिजली का है 132 श्रीनगर, इससे हमारी सूरतपुर तो एक 220 लाइन बन रही है, जिसकी वजह से उन लोगों ने शटडाउन लिया हुआ है पिटकुल वालों ने, जिसकी वजह से जो हमारा सप्लाई डिस्टर्ब है। उत्तरकाशी जनपद के सुक्की और हर्षिल में भी लगातार बर्फबारी हो रही है। लगातार हो रही बर्फबारी से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। यहाँ पर 2 से 3 फीट तक बर्फ जमने से ग्रामीणों को आवागमन करने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग सुक्की से आगे बर्फबारी के चलते पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।